आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास बायोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग ये रैबिट रैबिट का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। ये ओवरीज के एक जोड़े पर उसमें होती है, ओवरीज का कलर येलोश होता है और इसमें की सेने के इसको कहते हैं ओवल। ये लाइन होती है पोस्टीरियर साइड पर ऑफ किडनी के गुर्दे के यानी पिछले जाने होती है और ये अटैच होती है ऑब्डोमन वॉल के डोर्सल साइड पर। सरफेस जो ओवरी की होती है वो रफ होती है जिसे ग्रेफिन सरफेस या ग्रेफिन फोलिकल कहते हैं या मैच्योर फोलिकल भी कहते हैं। अब जो ओवरीज है ये इसका वेन्यू सा एक्सेल का होता है, ये एक गुच्छे नुमा यानी कि नालियों पर मुश्तमिल होता है जिसे कहते हैं फोलिकल। फोलिकल्स में एग्स सेल बनते हैं प्रोड्यूस होते हैं और फिर फैलोपियन ट्यूब में चली जाती हैं। वैसे जो मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो ओवरीज और उससे मुश्तमिल नालियों पर मुश्तमिल होता था। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसमें क्या होता है स्पर्म और एग आपस में मिलाप करते हैं तो फर्टिलाइज एग को यूट्रस में डाला जाता है। यहाँ से होता हुआ फर्टिलाइज यानी बक्स कनाल में चला जाता है, वहां से क्या होता है समझिए कि स्पर्म इकट्ठे किए जाते हैं फिर इसकी बात होती है। वैसे जो इनकी डेवलपमेंट ग्रोथ इस तरह हो जाती है कि जो खरगोश है साल साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर मौसम गर्मा में जो इनके मेल रैबिट होते हैं वो स्टीराइल हो जाते हैं। इसके बाद इनका गेस्टेशन पीरियड जो 29 से 30 दिन या किसी में 31 से 32 दिन होता है इसके बाद यानी कि इसकी बर्थ होती है खरगोश। तो आज हमने क्या पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट जी।